वेणुगोपाल जी, खारगे जी, दिनेश गुंडूराव जी, सिद्धरमैया जी, जी परमेश्वर जी, के एच मुनियप्पा जी, ईश्वर खांडरे जी, जगदेव गुट्टेदार जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलएज, एमएलसीज, नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब भैया देखिए, आपने बोला कि चौकीदार चोर है, और कल परसों नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, याद है आपको? याद है ना? उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसको चौकीदार बनाओ, ये तो नहीं कहा था। ये कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं चौकीदार बनूंगा। चौकीदारी किसकी की? जवाब दो भैया, चौकीदारी किसकी की नरेंद्र मोदी ने? अनिल अंबानी की नहीं की? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनकी चौकीदारी की? पुलवामा में अटैक हुआ उसी दिन, आपने अखबार ठीक से पढ़ा हुआ पढ़ा तो उसी दिन छोटा सा आर्टिकल था, अदानी जी को हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट चौकीदार ने दे दिए। राफेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश में मुद्दा बना है। भाइयों और बहनों, राफेल हिंदुस्तान की एयरफोर्स का हवाई जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इससे दुनिया में कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं, हजारों करोड़ रुपए की। यूपीए सरकार ने साफ कहा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बेंगलोर में, ओडिशा में, अलग अलग प्रदेशों में राफेल हवाई जहाज बनेगा। एंटनी जी ने साफ कहा 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, पहला काम फ्रांस जाता है, उसके साथ अनिल अंबानी जाते हैं, तब चौकीदार ने नहीं कहा कि भैया आप सब चौकीदार हो, चलो आप सब मेरे साथ चलो फ्रांस। तब तो चौकीदार सिर्फ अनिल अंबानी को ले गया। भाई और बहनों, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बदल डाला, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज चौकीदार जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। और कर्नाटक के युवा, आप सुनो, आप दिन भर रोजगार मांगते हो नरेंद्र मोदी जी से, दिन भर आप कहते हो नरेंद्र मोदी जी हमें रोजगार दो, और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार छीना। एचएल में हवाई जहाज बनना था, कर्नाटक के युवाओं को रोजगार मिलना था, नरेंद्र मोदी ने कहा ना, चौकीदार अनिल अंबानी को देगा। अनिल अंबानी जी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने कंपनी खोली। उस कंपनी ने पहले कुछ नहीं किया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट
डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में। डायरेक्ट अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला सीधा जेब में। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था, हिंदुस्तान के चौकीदार ने साफ कहा था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने एक गेट खोला और चोर को अंदर कर दिया, कहा भैया आ जाओ अंदर, 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करो। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है सीबीआई का डायरेक्टर कहता है चलो भाई मैं इंक्वायरी करूंगा, चौकीदार ने चोरी की है। रात के 1:30 बजे चौकीदार जी सीबीआई डायरेक्टर को उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं निकलो यहां से, कोई इंक्वायरी नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट कहता है चौकीदार जी सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाइए, चौकीदार जी कहते हैं हां भैया चलो सीबीआई डायरेक्टर वापस आओ। और फिर घंटों में खारगे जी कमेटी पे थे, घंटों में सीबीआई डायरेक्टर को फिर से निकाल देते। हिंदू अखबार में आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के सबसे बड़े अफसरों ने लिखा है चौकीदार चोर है, साफ लिखा है उसमें। हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन चलाया। नेगोशिएशन टीम कहती है कि चौकीदार हमें काम नहीं करने दे रहा, चौकीदार डायरेक्ट फ्रांस से बात कर रहा है, अगर चौकीदार में हम पर भरोसा नहीं है तो हमें हटा दीजिए, उससे डायरेक्टली करवाइए। भाइयों और बहनों, चौकीदार चोरी करते हुए पकड़ा गया और जैसे ही चौकीदार चोरी करते हुए पकड़ा गया, चौकीदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चौकीदार, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। मगर पकड़े जाने से पहले पूरा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं था, पकड़े जाने से पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी चौकीदार था, है ना भाई और बहनों। चोर पकड़ा गया, पूरा देश जानता है, देखो पूरा देश जानता है कि चौकीदार। मगर सिर्फ चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार जी झूठे वायदे भी करते हैं। जहां जाते हैं कोई ना कोई झूठा वायदा करके चले जाएंगे। आपको याद होगा 2009 में चुनाव से पहले मैं यहां आया था और अपने भाषण में मैंने कहा था, सोनिया जी ने कहा था, कारगे जी ने कहा था कि 371J हम आपको दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए दे देंगे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, मोदी जी ने कहा चौकीदारी करूंगा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में दे दूंगा, मिला आपको? हमने कहा था 371J आपको मिलेगा, मिला आपको? हमने कहा था किसान की कर्जा माफी होगी, किसान की कर्जा माफी हो गई, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किसान की कर्जा माफी की। आर्टिकल 371 से आप सबको जबरदस्त फायदा हुआ। पिछले 5 साल में 30,000 युवाओं को 371J के माध्यम से रोजगार मिला है।
हर साल 6000 स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, हर साल 800 स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो भाई और बहनों, जो हम कहते हैं हम कर देते हैं। अगर आप हमारे स्टेट से सुनोगे, वो काम हम पूरा करके आपको दे देंगे। और आपके सामने सच्चाई है, मैंने आपको दो तीन उदाहरण दिए, कर्जा माफी का उदाहरण दिया, 371J का उदाहरण दिया। और चुनाव में इस बार हमने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। नरेंद्र मोदी जी 3,50,000 करोड़ रुपए 15-20 लोगों का कर्जा माफ करते हैं। आज वो कहते हैं हम सब चौकीदार, मगर 3.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 15 लोगों का कर्जा माफ किया, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। हमने निर्णय ले लिया है, चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देने जा रही है। हमने एक निर्णय ले लिया है कि हम गारंटीड मिनिमम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने वाले हैं। मतलब एक मिनिमम इनकम लाइन तय की जाएगी और उस मिनिमम इनकम लाइन से जो भी लोग नीचे हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उनको मिनिमम इनकम लाइन तक पहुंचाया जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय है, किसी भी देश ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी यह निर्णय हिंदुस्तान में गरीबों के लिए लेने जा रही है। मोदी जी जाते हैं, जहां भी जाते हैं कहते हैं रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको रोजगार मिला? नरेंद्र मोदी जी ने दिया, यहां पे कांग्रेस पार्टी ने आपको रोजगार दिया, 371J दिया, हमने आपको रोजगार दिया, नरेंद्र मोदी ने आपको क्या दिया? नोटबंदी दी, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में। हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी ने रोजगार को खत्म नहीं किया, नष्ट नहीं किया। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको रद्द करने जा रहा हूं, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सबको बैंक के सामने खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को लाइन के सामने खड़ा कर दिया। क्या आपको लाइन में काले धन वाले दिखाई दिए? आपको चोर दिखाई दिए उस लाइन में? नहीं, हिंदुस्तान की गरीब जनता थी। मैं आपको बताता हूं चोर कहां थे। चोर बैंक के पिछले वाले दरवाजे से अंदर घुसे, एसी कमरे में बैठे और उन्होंने अपना पूरा का पूरा काला धन सफेद में बदल दिया। छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले बर्बाद हो गए, महिलाएं बर्बाद हो गई। नरेंद्र मोदी कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लाते हैं, कहते हैं नोटबंदी से जितना नुकसान होना था नहीं हुआ, अब मैं और नुकसान करना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स लाते हैं। कहा था एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स, आज तक किसी को नहीं समझ आ रहा क्या हुआ। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस सब बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हुए। मैं आपको स्टेज से साफ कह रहा हूं, कर्नाटक के छोटे दुकानदारों से कह रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, जैसे ही हमारी सरकार 2019 में आएगी वैसे ही हम गब्बर सिंह टैक्स को बदल के आपको सच्ची GST दिलवा देंगे।
ये पांच टैक्स नहीं होंगे, एक टैक्स होगा, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और साधारण सिस्टम होगा। जो छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों को नुकसान हुआ, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम जीएसटी बदल के भविष्य में आपको यह नुकसान नहीं होने देंगे। यह कांग्रेस पार्टी का वायदा है। कर्नाटक में हमारी गठबंधन की सरकार है, मिलकर हम यहां जनता दल के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। दोनों पार्टियां एक होकर मिलकर लड़ रही हैं, और हमने जो कर्नाटक में वायदा किया था, कर्जा माफी का वायदा किया था, वो हमने पूरा किया। हजारों करोड़ रुपए हमने कर्नाटक के किसानों को दिए, और फिर नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को चौकीदार बनाना चाहते हैं, यहां के कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफी नहीं की, आपके सामने आके झूठ बोलते हैं। साफ आंकड़े हैं, हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटक में कर्जा माफी किया है। इस डिस्ट्रिक्ट में हमने करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया है किसानों के लिए, और यहां के कर्नाटक के किसान सबके सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने कितना कर्जा माफ किया है, मगर हम वहां रुकना नहीं चाहते हैं। कर्जा माफी से मदद जरूर होगी, मगर हम किसान की जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खेत के बिल्कुल पास किसानों के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, पंजाब में हम खेतों के पास फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगाना चाहते हैं। जहां आप आलू उगाते हो वहां आलू के चिप्स का कारखाना, जहां टमाटर उगता है टमाटर केचप का कारखाना, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां तेल का कारखाना, कोल्ड चेन बनाना चाहते हैं। आपको किसानों को स्टोरेज की फैसिलिटी देना चाहते हैं कि आपका जो माल है आपको उसके लिए सही दाम मिले, अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए आपको सही दाम मिले। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हर साल हम एमएसपी को बढ़ाते थे। नरेंद्र मोदी जी एमएसपी को नहीं बढ़ाते हैं, आपसे उन्होंने भी बोनस छीन लिया। आप बोनस का, आप बीमा का पैसा डालते हो, आपके जेब में से निकलता है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा प्राइवेटाइज कर दिया, अपने मित्रों को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बांट रखे हैं। अनिल अंबानी को जम्मू कश्मीर दे रखा था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अनिल अंबानी को दे रखे हैं। आप लोग बीमा का पैसा डालते हो, नुकसान आपका होता है, और हजारों करोड़ रुपए उन्हीं 15-20 लोगों को फायदा होता है। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का हिंदुस्तान, और दूसरा अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का। उनके पास प्राइवेट हवाई जहाज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ, उनके बच्चों के लिए बेहतरीन कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, और दूसरे हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं, आप बीमार हो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा, प्राइवेट अस्पताल में आपको एमआरआई कराना हो, ऑपरेशन करवाना हो, तो जेब से पहले पैसे निकाल के दो। उन्हीं 15-20 लोगों को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, उन्हीं को पैसे दो। किसी के घर में कैंसर होता है, दिल का दौरा पड़ता है, दिल की बीमारी होती है, लाखों रुपए आप निकाल के दो, पूरा का पूरा फायदा उनको। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, पहले जेब में से पैसा निकालो, लाखों रुपए उनके जेब में डालो, फिर आपके बच्चे लॉयर इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा। अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसान का कर्जा माफ होगा, अगर उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी
तो किसान मजदूर छोटे दुकानदारों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अगर उनको स्वास्थ्य मिलेगा तो फिर आपको भी स्वास्थ्य मिलेगा। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। 2019 में बजट में सरकारी अस्पताल खोलने के लिए, सरकारी स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए हम पैसा डालेंगे, आपके लिए डालेंगे, आपके भविष्य के लिए डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहते हो, आप खोलो। आप प्राइवेट कॉलेजेस खोलना चाहते हो, आप खोलो। मगर सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके भी बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हों, उनके बच्चों के लिए भी अस्पताल हों, उनके माता पिताओं के लिए भी अस्पताल हों। यह जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। और आज हिंदुस्तान में जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी नफरत फैलाते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में नफरत, दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, रोहित वेमुला जैसे युवाओं को कुचला जाता है, और इनका लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना। नरेंद्र मोदी दिल में चाहते हैं, जैसे उन्होंने नोटबंदी में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट खत्म किया, वैसे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग कभी नहीं छू पाएंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं छूने देगी। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आते हैं, खड़े होते हैं प्रेस के सामने, कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, न्याय नहीं दे सकते हम। आमतौर से जनता सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जजेस के पास जाती है, पहली बार इतिहास में देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जनता से कहते हैं हमें न्याय दो, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आरबीआई से बिना पूछे नोटबंदी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस को काम नहीं करने देते, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, जो भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं सबको खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति राज करे, भाषण में कहते हैं, लाल किले में जाके कहते हैं, मेरे आने से पहले, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था, हाथी सो रहा था, मतलब मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, अकेला ही वो हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। मगर जब चोरी पकड़ी जाती है, जब चौकीदार की चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर चौकीदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। सरकार एक व्यक्ति चलाएगा, अनिल अंबानी की मदद, अदानी जी की मदद एक चौकीदार करेगा, मगर जब चोरी पकड़ी जाती है तो फिर पूरे देश को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आप देश को समझाइए, आपने बात बोली थी मैं चौकीदार हूं, आपने यह नहीं बोला था कि पूरा देश चौकीदार है। आप देश को समझाइए, 30,000 करोड़ रुपए आपने चोरी करके अनिल अंबानी को क्यों दिए? आप देश को समझाइए कि एयरफोर्स से आपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी क्यों किया? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, देश को आप जवाब दीजिए, बहाने मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, विचारधारा की लड़ाई है, यहां पे हम जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सारी की सारी सीटें यहां पे हमें जीतनी है, हर पोलिंग बूथ पे आपको लड़ना है।
हर पोलिंग बूथ पर लड़ना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आप हमारे लड़ते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप दूर दूर से यहां आए, गर्मी में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।